हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो लेट आने के लिए सॉरी। तो आज हम बनाएंगे कुंदरी की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा कुंदरी का सब्जी बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल मसालेदार। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने कुंदरी 250 ग्राम के आसपास लिया है। ये गिनती में देखें तो 10 से 12 है। तो इसको हमने पहले धो के अच्छे से निकाल लिया है और उसके बाद हम दोनों तरफ से इसके किनारे को इस प्रकार से काट देंगे। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इसे काट लिया है और इसे बीच में कट लगा देंगे दो बार इस प्रकार से, ताकि ये जो है अच्छे से हमारा ये कुंदरी है वो पक सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इसे चीरा लगा दिया है। तो सारे कुंदरी को हमने इसी प्रकार से ये देखिए चीरा लगा दिया है। तो आप इसी प्रकार से लास्ट में थोड़ा सा छोड़ दें इसे, ताकि ये अच्छे से आपस में ये जुड़े रहे। तो इसी प्रकार से हमने सारे कुंदरी को इसी प्रकार से कट कर लिया है। तो ये देखिए फाइनली हमारा। तो अब हम इसके लिए हमने दो बड़े साइज़ का प्याज, एक टमाटर लिया है और इसे बिल्कुल रफली चॉप किया है, और दो से तीन हरी मिर्च। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, आप चाहे तो इसे कढ़ाई भी बना सकते हैं। उसमें हम लगभग 100 ग्राम के आसपास तेल डालेंगे और इस कुंदरी को हम इसे फ्राई कर लेंगे। और फ्राई हमें इतना करना है कि लगभग 80% पका लेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कुंदरी डालने के बाद इसके छींटे बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं, तो आप अपने आप को सेफ करके यहाँ बनाएं। तो इसे आप कवर करके इसे पकाएं, ताकि ये हमारा तेल भी ना उड़ सके। तेल के छींटे बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं इसे डालने के बाद। तो इसी प्रकार से हम दो से तीन बार इसे कवर करके ये लगभग 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा इसमें कलर भी आ गया है इसका। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये पक गया है और तेल के छींटे भी अब नहीं पड़ रहे हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये लगभग 80% के आसपास पक गए हैं। वो थोड़ा बहुत जो है मसाले के साथ इसे पकाएंगे। तो ये देखिए हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम वही तेल में हम एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा प्याज है और हरी मिर्च, उसे हम इसे डाल के इसमें और इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। और ये फ्लेम को हम लो कर देंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से पक सके और प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो सके। तो इसे हम कवर करके 2 से 3 बार कवर करेंगे। तो ये 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है प्याज का। तो अब हम यहाँ पे एक बार और कवर करके पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा प्याज कितना बढ़िया है, इसका कलर भी आ गया है। तब इसी स्टेज पे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा लिया है और उसे डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे हम। तो ये देखिए हमारा अदरक भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हम टमाटर यहाँ पे ऐड करके इसे भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे अच्छे से, ताकि हमारा टमाटर और प्याज जो है अच्छे से पक सके। तो इसे हम चला के इसे भी हम एक बार कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है ना, आपको देखने से लग रहा होगा। तो अब हम इसे हल्के हाथों से इसे मैश कर लेंगे, ताकि ये जो है अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हमने हल्दी, धनिया, सब्जी मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद नमक स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे। और सारे मसालों को हमने छोटी चम्मच से आधी चम्मच
सारे मसाले को करके डाला है। तो अब हम मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से भूनेंगे मसाले को। और ये हमारा मसाला देखिए, मसाला का कलर भी चेंज हो गया। तब हम यहाँ पे पानी ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। पानी हम इतना ऐड करेंगे फ्रेंड्स ताकि हमने जो कुंदरी है उसे हम इसमें डालेंगे तो अच्छे से वो सेट हो चुके। तो ये देखिए, पानी डालने के बाद हम मसाले को और पकाएंगे। हम 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे पकाएंगे मसाले को। तो फ्रेंड्स, कुंदरी को कुंदरू भी बोलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हम लोग अपने यहाँ कुंदरी इसे बोलते हैं, बहुत जगह कुंदरू भी बोलते हैं इसे। तो ये देखिए, मसाला भुनने के बाद हम इसे अच्छे से यहाँ पे डाल के इसे मिलाएंगे। ये देखिए, और जो कुंदरी हमारा 20% कच्चा है तो वो यहाँ पे इस स्टेज पे कवर करके हम पकाएंगे तो यहाँ पे पक जाएगा। क्योंकि उस समय पहले ज़्यादा पकाएंगे तो फिर यहाँ पे बिल्कुल ही ज़्यादा गल जाएगा, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी कच्ची रखी है। तो इसे कवर करके हम लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और ये कितना बढ़िया इसका, ये देखिए मसाले का कलर भी आ गया है और इसमें जो है मसाला भी कोट हो गया अच्छे से। तो ये हमने चीरा जो लगाया है उसका फ़ायदा यहाँ पे होगा, क्योंकि मसाले इसके अंदर जाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, हमारा ये अच्छे से सेपरेट भी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे गरम मसाला थोड़ी सी ऐड करके इसे बंद कर देंगे चूल्हे को। तो ये देखिए, गरम मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये कुंदरी की सब्ज़ी बन के तैयार है। तो है ना, बिल्कुल चटकदार। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे बनाएं, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। और इससे पहले आप शायद इस प्रकार से नहीं बनाए हों तो आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया लाजवाब बन के तैयार है ना। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे बनाएं और अपने फैमिली के साथ इस रेसिपी का एंजॉय करें। तो कैसी लगी फ्रेंड्स रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।